सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। तो आप उर्सा मेजर के हेल्प से पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हो, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। लुक एट द टू स्टार्स मार्क्ड ए एंड बी इन द फिगर एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द स्टार्स एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन फ्रॉम ए टू बी towards the north direction about 5 times the distance between the two stars. This line will lead to a star which is not too bright. This is the pole star. So it's actually very simple. आपको क्या करना है, उर्सा मेजर का टू स्टार्स जो एंड पे वो आपको अच्छे से नोटिस करना है। देन आपको क्या करना है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को लाइक इन द माइंड आपको ये सोचना है। ये जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन वो आपको एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर इसको एक्सटेंड करते हुए ले जाना है टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, एंड दिस विल लेड टू द पोल स्टार। एंड पोल स्टार का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोल स्टार इज नॉट वेरी ब्राइट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में पहले आपको पूछा क्या है। तो क्या स्टार्स स्काई में मूव करते हैं या नहीं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला गया, जितना भी स्टार्स प्रेजेंट है स्काई में क्या सारे मूव होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल द स्टार्स मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है डायरेक्शन का, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। Earth rotate about its axis and the pole star which is situated in the direction of Earth's axis, it does not appear to move. So normally kya hai, stars do not move in the sky but they appear to move from east to west. Uske piche kya reason hai, jo Earth hai uska rotation kaisa hota hai, Earth rotates from west to east on its axis and that is why ऐसा appear होता है जो stars वो move हो रहे from east to west। and pole star के case में क्या है, देखो जो pole star वो कहाँ पर situated है, in the direction of earth axis and it does not appear to move। so next is a question number 14। why is the distance between stars expressed in light years? what do you understand by statement that a star is 8 light years away from the earth? तो स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग लाइट ईयर से क्यों एक्सप्रेस करते, दैट यू हैव टू टेल। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है दैट एक जो स्टार है इज 8 light years अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म आपको गिवन है इससे आप क्या समझे वो भी आपको बोलना है। सो नाउ लेट्स सी द आंसर। Stars are at a distance of millions of kilometers from the earth. Thus, these large distances are expressed in light years. And जो 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. 1 light year is equal to 9.46 × 10^12 kilometer. If a star is 8 light years away from the earth, it means that the time taken by light to travel in 8 years. So the distance between the star and the earth is given by 8 × 9.46 × 10^12 kilometer, that is equals to 7.6 × 10^13 kilometer. Stars ke beech mein jo distance hota hai ye bahut hi zyada large hota hai, that is why hum isko kilometer ke term pe to express nahi kar payenge. Isiliye isko hum log kaise express karte hain distance ko, इन अनादर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। सो 1 light year का मतलब क्या हुआ, 1 light year इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year। सो यहाँ पर जैसे आपको सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर एक स्टार 8 light years अवे है अर्थ से, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट द लाइट फ्रॉम दैट स्टार विल रीच द अर्थ इन 8 years। सो आई होप इट्स क्लियर। So next is a question number 15. The radius of Jupiter is 11 times the radius of the Earth. Calculate the ratio of the volume of Jupiter and the Earth. How many Earth can Jupiter accommodate? So Jupiter ka radius kya hai, 11 times radius of the Earth.
तो आप समझ गए जुपिटर कितना ज़्यादा लार्ज है व्हेन वी कंपेयर इट टू अर्थ। सो उसके बाद क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है जुपिटर एंड अर्थ का। एंड आपको थर्ड पार्ट में क्या बोला, देखो हाउ मेनी अर्थ कैन जुपिटर एकोमोडेट, दैट इज अगर हम लोग एकदम सिंपल वे में समझे जुपिटर में कितना अर्थ एकोमोडेट हो सकता है। ओके सो नाउ लेट्स सी द आंसर। लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी कैपिटल आर, सो द रेडियस ऑफ जुपिटर क्या होगा, हमें पता है 11 टाइम्स ज़्यादा है, दैट इज 11 आर। सो ये तो आप समझ गए वेरी सिंपल। सो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करेंगे, जो फॉर्मूला क्या है 4/3 πr³। तो जुपिटर का कितना होगा 11 टाइम्स ज़्यादा है, दैट इज 4/3 πr³ / 4/3 πr³। तो कितना हुआ आंसर 1331:1। 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आंसर होता है 1331, एंड जो 4/3 πr³ है वो दोनों से ही कट जाएगा। सो जुपिटर कैन एकोमोडेट 1331 अर्थ। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। बूझो मेड द फॉलोइंग स्केच ऑफ द सोलर सिस्टम, इज द स्केच करेक्ट, इफ नॉट करेक्ट इट। सो इसके लिए प्रॉपर पोजीशन का नॉलेज होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको बूझो का जो उसने जो स्केच बनाया यहाँ पे इनकरेक्ट है स्केच, सो इसका करेक्ट वे क्या होगा। तो सिंस अभी बूझो का जो स्केच है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट डायग्राम दिख रहा होगा। जो पोजीशन है मार्स का एंड वीनस का वो इंटरचेंज होना पड़ेगा, एंड सिमिलरली जो पोजीशन है नेपच्यून का एंड यूरेनस का, इट शुड ऑल्सो बी इंटरचेंज। जो यहाँ पे आपको करेक्ट डायग्राम दिख रहा होगा,